हेलो भदोही वालों, मैं इस समय भदोही जिला के सब सुप्रसिद्ध रामपुर घाट पर मौजूद हूं। दोस्तों देख सकते हैं रामपुर घाट का नज़ारा। यहां पर बहुत अच्छी खबर है कि दोस्तों यहां पर पानी का जल स्तर बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिलहाल बतिस्तान के लोग बता रहे हैं कि पानी का जल स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है। जैसा कि दो तीन दिन लगातार से बारिश हुई है, तो देखिए नज़ारा दोस्तों। यहाँ तक जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था, जो शिवलिंग रखी गई है महादेव का, वहाँ तक पानी पहुँच चुका था दोस्तों। और देखिए यह धर्मशाला जहाँ बैठने की स्थान है, यह रास्ता सीधा दोस्तों गोपीगंज बाज़ार से आता है। अब डायरेक्ट यहाँ रामपुर घाट पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं और आगे चलूँगा, दिखाऊँगा वहाँ का नज़ारा। इधर देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा। बहुत ही नीचे सीढ़ी एकदम छोड़ कर पानी आगे कम हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। उधर नाव लगी है यहाँ सामने, और देखिए जहाँ दाह संस्कार किया जा रहा था वहाँ पर पानी कितना कम हो चुका है। और इधर सब गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं, और स्थानीय लोगों की बकरियाँ यहाँ पर भी चर रही हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो ये सब आरती किया था गंगा का, सब डूब गया था दोस्तों। जो धर्मशाला दिखाई दे रहा है उसके नींव तक पानी पहुँच चुका था। ये देखिए सब कटान हो गया दोस्तों, पानी की कटान आज सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों। गंगा का जल स्तर बहुत बढ़ ही गया था, लेकिन अब अच्छी खबर है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, इधर सब लोग सवारी इस पार से उस पार जाएंगे इस नाव के माध्यम से। दोस्तों यह प्रसिद्ध रामपुर घाट है भदोही जिला का। देखिए दोस्तों यही रास्ता है जो आप आते हैं और नाव पर सवार होकर आप दूसरे छोर पर उस पार चले जाते हैं। यही रास्ते सभी लोग आते हैं और नाव पर बैठते हैं चले जाते हैं। वहीं पर इसी सामने से पीपा पुल को बनाया गया था। और इधर देखिए एक व्यक्ति मछली मार रहा है गंगा में, आप सभी देख सकते हैं कितना कटान हो गया था गंगा का जल स्तर बढ़ने से, मिट्टियों का कटान। आइए दोस्तों अब हम थोड़ा नाव के पास ले चलेंगे, वहाँ का कुछ नज़ारा दिखा देंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप सभी, फिलहाल यहाँ पर देखिए कितना कटा हो चुका है मट्टी का। मट्टी तो बहुत साइड कर दिया गया था रास्ते में आने जाने के लिए। देखिए मैं कितने किनारे पर आ गया हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो बच्चा मुँह बना है यह गोपीगंज स्कूल सेंट थॉमस में पढ़ कर दोस्तों इतना परिश्रम के बाद नाव के उस पार जाता है, नाव पर बैठने के बाद उस गाँव से आता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैं जो धर्मशाला है उसके ऊपर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए कितना प्यारा नज़ारा, सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप सब भदोही से हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा दोस्तों। इसी तरह मैं दोस्तों भदोही ज़िला का सुप्रसिद्ध स्थानों का मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप सभी को खबर देता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।